फाउंडेशन स्कूल के खेल के मैदान में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया एवं अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनों से शिक्षकों तथा अभिभावकों का मन मोह लिया। मौके पर निदेशक पीके मिश्रा ने बताया कि खेलकूद का विद्यार्थियों के जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एक ओर जहां उनके स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास में मददगार साबित होता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व, कुशलता एवं सम्मान्य की संभावना लाता है। वार्षिक खेलकूद का आयोजन विद्यालय परिवार द्वारा विद्यार्थियों के इन्हीं गुणों के विकास हेतु कराया जाता है। खेल दिवस का मुख्य आकर्षक प्रदूषण मुक्त परिवेश बनाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों द्वारा तैयार की गई बैटरी चलित साइकिल रही। वही इस दौरान ट्रिल, सूर्य नमस्कार, साइकिल रेस, 100, 200, 400 एवं 800 मीटर की रिले दौड़ एवं ऊंची कूद, लंबी कूद जैसे खेलों में छात्र छात्राओं के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के अभिभावकगण एवं अन्य उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे राजेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर एवं गुब्बारे उड़ाकर किया। मौके पर उन्होंने टैगोर, कलाम, विवेकानंद एवं सुभाष हाउस के विद्यार्थियों को शुभकामना के साथ खेल भावना से खेलने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को विवेकशील एवं आत्मनिर्भर बनने की भी अपील की। मौके पर विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों को मेडल प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया गया, साथ ही उनके कर्तव्य के पद पर निरंतर बढ़ते रहने की अपील की गई। खेल के समापन पर मेडल एवं ट्रॉफी प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की अभिभावकों के साथ फोटोग्राफी कराई गई। मौके पर प्राचार्य विकास ओझा प्रबंधक एमके 24 समेत विद्यालय परिवार से जुड़े सभी सदस्य एवं अभिभावक मौजूद रहे। राज रंजन के साथ गुड्डू आज़ाद की रिपोर्ट, बक्सर से। लगभग 1500 बच्चों ने हिस्सा लिया हमारे स्कूल के, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे। खो खो, वॉलीबॉल और स्कोर बोर्ड अपडेट हो चुका है। ढेर सारे इवेंट्स हर सर वहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ आयोजित हो रहे थे। मैं आपको अपडेट करता हूँ आयोजनों का, सारे प्रतिस्पर्धाओं का परिणाम भी आ चुका है। तो अलग अलग हाउसेज उसमें विजेता बने, सीनियर गर्ल्स फाइनलिस्ट के अभी स्कोर नहीं आए हैं 100 मीटर रेस के, अभिभावक यहां कृपया घोषणा किया जाए। और विद्यार्थियों के लिए आज संजीव मिश्रा सर के पास मुझे जाना होगा, तो वो सर वहां हैं। दिवस 100 मीटर फाइनलिस्ट का स्कोर पॉइंट वहां दे चुके हैं। वार्षिक खेल दिवस का दिन आता है उसका 100 मीटर का, तो उस दिन वो दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस दिन परिणाम घोषित होते हैं। आज बहुत सारे एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स के फाइनल्स थे, आपने देखा 100 मीटर बॉयज रेस, 100 मीटर रेस, ये काफ़ी रोमांचक मुकाबले थे जिसमें अपनी पूरी क्षमता, इसमें जब वाकई उनके लिए बहुत खास उपलब्धि होती है। बहुत अच्छा है और हर चीज़ का मौका देता है, सबको खेलने का भी मौका देता है और सब लोग मतलब जीतते हैं, हार जीत होता रहता है। क्या क्या हुआ है इस स्कूल में? स्कूल में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे प्रोग्राम भी हुआ है, अभी तक तो अभी स्पोर्ट डे अभी हो रहा है आज। किस चीज़ में आपको विनर के प्राइज मिला? क्या नाम है आपका? बबीता। किस स्कूल से हो आप? हम फाउंडेशन स्कूल से। कहाँ से हो आप? बाजार समिति रोड। आपको आज पुरस्कार मिला है स्कूल से, कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हम मेरी अकेले की तो मेहनत नहीं है, मेरी सारी टीम मेंबर्स की मेहनत है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि विनर्स होने का तो सबको अच्छा लगता है। किस खेल में आपको पुरस्कार मिला है? जी खो खो। क्या नाम है आपका? अमरीन। कहाँ से? जी हम बक्सर से ही हैं। जो मार्केट में कूलर अपने काफ़ी महंगा है और बहुत ज़्यादा उसका कॉस्ट है, तो हमने उसी सब चीज़ों को डीसी कूलर तैयार किया है जो काफ़ी लो कॉस्ट में है, जो आपको 1000 के अंदर में ही पूरा आप मिल जाएगा।
क्या क्या इसमें लगा? हिमांशु इसमें एक बैटरी है जो मोटर को रन कराएगी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा बैकअप मिलेगी, और इसमें डीसी पंप रहेगा जो कि पूरा वाटर सर वो पूरा ट्रांसफर करेगी, और सर इससे हमारा कूलर डीसी कूलर काफ़ी बेहतर तरीके से हम इसको प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। कितना समय लगा है जी सर? कितना समय लगा है सर? इसको बनाने में 2 सप्ताह वक्त लगा है, 2-1 सप्ताह में इसे मैंने पूरा। क्या नाम पड़ेगा सर? नीरज, नीरज सर। खाना है तो आप देखिए बंद हो गया ना? चलो फिर ये डालेंगे सर, वो मॉइस्चर सेंसर है, जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलेगा तो दोबारा ये बनाया गया है वाटर पंप जो कि पौधों में पानी देता है, ऑटोमेटिक है। कैसे बनाए हैं आप लोग इसको? हम लोग आर्डिनो यूनो आमरे पर है, ऋचा कुमारी गुलशन कुमारी आमरे पर है, इस्तेमाल किया गया है इसमें, ये उर्वशी राय वंशिका जायसवाल गुलशन कुमारी आमरे पर है, ऑटोमेटिक चालू से और धोनी कुमारी, और जैसे ही मॉइस्चर गेन हो जाए ये पानी ये पानी जो वेस्टेज होता है वो जमा है, और आदमी वो पानी टाइम टू टाइम पौधों में जाते रहे। नाम क्या है? नाम क्या है? अमृतांशु कुमार सिंह। महज 300 रुपये में तुमने हॉट एंड कूल ये बनाया है कूलर, कितना दिन लगा है और कितना लागत इसमें लगा है? सर इसमें 300 रुपये लगा है सर, ये 2 दिनों बन चुका है। ये लोगों के लिए कितना कारगर होगा सर? ये लोगों के लिए 400। कारगर क्या काम करेगा ये सर? ये काम ये करेगा कि सर जैसे सर अब ठंड में सर आपको ठंड लगती है सर, मार्केट में जाएगा सर इसकी कीमत सर 2000 है, और सर घर में अब इसको 300 में बना। ठंड में क्या काम होता है इसका? ठंड में सर ये गर्म हवा देगा, और गर्मी में सर ठंडा हवा। क्या नाम है आपका? आर्यन कुमार। डालो इस प्रोजेक्ट की खास एक